हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमिता सोफत, बांझपन विशेषज्ञ, अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम फिर बात करेंगे बांझपन की समस्या क्या और इसका सही इलाज क्या है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि जो बांझपन की समस्या है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि बहुत स्ट्रेस हो गया है और लोगों में बहुत धारणा हो गई है कि बांझपन का इलाज सिर्फ टेस्ट ट्यूब बेबी ही है। मैरिज को 1.5 साल हुआ हो चाहे 10 साल हुए हो, तो सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं, जब भी कोई कपल हमारे पास आता है, हस्बैंड वाइफ, हमेशा बेटर है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों आए इन्वेस्टिगेशंस के लिए और फिर उनकी जांच पड़ताल करके हम सही सलाह देते हैं कि कौन सा इलाज सही बैठेगा। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है और किन मरीजों में टेस्ट ट्यूब बेबी किया जाता है और टेस्ट ट्यूब बेबी की तकनीक में क्या नई चीज़ें आ गई हैं जिससे कि हम कामयाबी दर बढ़ा सकते हैं। तो जो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, सबसे पहले तो उन केसेस में इंडिकेटेड होता है जिन महिलाओं की ट्यूबें बंद है और वो ट्यूब जो है खुल नहीं सकती, उनकी ट्यूब्स डैमेज हो गई हैं, ट्यूबों में पानी भरा हुआ है, पस भरा हुआ है, तो उन केसेस में टेस्ट ट्यूब बेबी किया जाता है। कोई भी जैसे समस्या है कि बहुत साल हो गए हैं बांझपन को, पेशेंट्स ने बहुत सारी दवाइयां खा ली हैं या फिर उनको अंडों की समस्या है और उनके अंडे ठीक नहीं बन रहे जिनके लिए टीके लगाए जाएंगे, या बच्चेदानी का साइज़ बहुत छोटा है, बच्चेदानी की तह खराब हो गई है, ऐसे केसेस में भी हम करते हैं। और बहुत सारे केसेस मैंने ऐसे देखे हैं, बहुत सारे कपल्स आते हैं जो कि 5 बार 6 बार IUI करा लेते हैं, जो कि नहीं कराना चाहिए। नॉर्मली 3 to 4 times रिकमेंड किया जाता है कि IUI कराए। उन केसेस में भी जब वो फेल हो जाता है तो IVF की टेक्निक जो है की जाती है। कई कपल्स ऐसे जोड़े होते हैं जिनमें कि पेशेंट्स कहते हैं कि हमारी तो कोई सब टेस्ट नॉर्मल आए हैं पर फिर भी जो है बच्चा नहीं हो रहा, तो ऐसे केसेस में भी टेस्ट ट्यूब बेबी इंडिकेटेड होता है। अब ये जिसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी और पर्ख नली शिशु कहते हैं, इसमें बहुत सारी तरक्की हो गई है जिसके कारण जो है इसका कामयाबी दर हम बढ़ा सकते हैं। अगर हम कहें कि हमने सिंपल एक प्लेन टेस्ट ट्यूब बेबी करना है जिसमें कि एक लेडी के अंडे बनाए जाते हैं, जब वो अंडे बन जाते हैं टीके लगा के तो अल्ट्रासाउंड के जरिए वो अंडे निकाले जाते हैं, फिर लेबोरेटरी में भ्रूण तैयार करके रखा जाता है। ये एक सिंपल टेस्ट ट्यूब बेबी का प्रोसीजर है जिसमें कि कामयाबी दर हम कहते हैं 15 से 20% ही है। पर आज की डेट में हम इस कामयाबी दर को कैसे बढ़ा सकते हैं, आज के इस टॉक शो में मैं आपको अपनी लेबोरेटरी में प्रोसीजर दिखाऊंगी, आपको अपनी लेबोरेटरी के बारे में बताऊंगी, ताकि सारे जो बांझपन से पीड़ित कपल्स हैं जो इस को सुन रहे हैं उनको पता लगे कि टेस्ट ट्यूब बेबी और बाकी तकनीकों में क्या अंतर है। अभी मैं सिर्फ आपको प्रोसीजर्स के नाम बताऊंगी, इसके बाद हम जब लैब में जाएंगे अपनी लेबोरेटरी में तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हम वो प्रोसीजर्स कैसे करते हैं और वो कामयाबी दर कैसे बढ़ाया जा सकता है, जिसको कहते हैं हम इक्सी विधि, इमसी विधि, कासा। अभी आपको हम दिखाएंगे कि कासा विधि भी क्या होती है, लेज़र हैचिंग, एम्ब्रियो मॉनिटरिंग सिस्टम, ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र, इन सब जो टेक्निक्स है IVF का कामयाबी दर काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया जाता है। 70% तक हम कह सकते हैं कि IVF का जो है टेस्ट ट्यूब बेबी का कामयाबी दर बढ़ाया जाता है, क्योंकि आज की जो ये समस्या है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है बांझपन की समस्या। मुझे ऑलमोस्ट 26 ईयर्स हो गए हैं कि मैं ये बांझपन की समस्या का इलाज कर रही हूँ। उस टाइम पे लोगों ने टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में सुना भी नहीं था और बांझपन की जो समस्या थी बहुत कम थी, पर अब बहुत सारे जोड़े हैं जो बांझपन की समस्या से ग्रस्त हो रहे हैं और पेशेंट में भी बहुत अवेयरनेस आ गई है कि क्या है टेस्ट ट्यूब बेबी, हम इसको क्या मतलब निकालेंगे और इसका कामयाबी दर कैसे बढ़ाया जाता है। तो ये बात हो गई कि टेस्ट ट्यूब बेबी, हम जो लेडीज़ की उम्र ज़्यादा हो गई है, जिनकी ट्यूबें बंद है, बच्चेदानी की समस्या है, अंडेदानी की समस्या है, IUI फेल हो गया या कोई रीज़न नहीं निकला, उनमें हम टेस्ट ट्यूब बेबी करते हैं टेक्निक। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे इक्सी विधि की, जैसे बहुत सारे कपल्स हैं जिनमें हस्बैंड्स में प्रॉब्लम आई है। अब एक बात है कि जब मेरे पास हमेशा कपल आता है उसके पास बहुत सारे टेस्ट कराए होते हैं, पेशेंट कहता है जी मैंने तो सीमन टेस्ट कराया, मेरा सीमन बिल्कुल ठीक है या मेरे सीमन में थोड़ी सी कमी है, पर हमें जब तक हम इसकी वीर्य की डिटेल जांच नहीं करेंगे तो हमें नहीं पता लग सकता।
हर टेक्निक का सक्सेस रेट जो है वो डिपेंड करता है कि आप जड़ तक जाएं बीमारी की, उसकी प्रॉपर वो देखे कि क्या है समस्या, क्योंकि खाली एक सीमन काउंट से नहीं होता। अब इस अस्पताल में हमने पंजाब में, हालांकि मैं कहूँगी नॉर्थ में, दिल्ली को छोड़ के सबसे पहले कासा मशीन लगाई, जिससे कि हम एक स्पर्म है, मैं आपको अभी दिखाऊंगी भी अपनी लेबोरेटरी में, कि एक स्पर्म को हम कितने गुना ज़्यादा टाइम मैग्नीफाई कर सकते हैं। हमें ये पता लगता है कि वो जो शुक्राणु है बच्चा बनाने के काबिल है कि नहीं। सो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या इम्पोर्टेंस है एक बांझपन सेंटर में, जो कि इतने सालों से चल रहा है, कि एक सीमन एनालिसिस से खाली हम एक स्पर्म काउंट नहीं देखते, हमें ये पता लगता है कि वो शुक्राणु बच्चा पैदा करने के काबिल है कि नहीं है। सो यही चीज़ें हैं जो ट्रीटमेंट का कामयाबी दर बढ़ाते हैं। तो नील शुक्राणु के मरीज भी जो है, जिनकी बिल्कुल एजोस्पर्मिया हो गया है, वो भी आज की डेट में अपने संतान सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। बहुत सारी नई मशीन्स हैं जिनसे हार्मोनल एसेस किए जाते हैं, हमें पता लग जाता है कि जो गोलियां हैं, जिनको हम टेस्टिस कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, स्पर्म्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, और अगर बन रहे हैं तो वो एक स्पर्म भी निकाल के एक एग से मिलन करके इक्सी विधि के द्वारा भ्रूण बनाया जाता है। और अगर किसी पेशेंट के स्पर्म्स बन ही नहीं रहे मेल के, तो उसके हार्मोन्स के द्वारा स्पर्म बना के फिर इसी विधि से बेबी कर सकते हैं। तो बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत कम टाइम हुआ होता है शादी को, और उनकी ट्यूब्स में प्रॉब्लम आ जाती है। जब वो HSG कराते हैं तो पता लगता है कि ट्यूब्स ब्लॉक्ड है। तो जो ट्यूब कॉर्नुअल एंड पे ब्लॉक्ड है, बिल्कुल जहाँ से ट्यूब यूट्रस के साथ लगी होती है, अगर उस एरिया से ब्लॉक्ड है, तो वो बिना चीरफाड़ के, बिना किसी कट टांके के हिस्टेरोस्कोपिक ट्यूबल कैनुलेशन के द्वारा भी खोली जाती है। पर ये एक डॉक्टर ही डिसाइड करता है कि ये खुलेगी ट्यूब कि नहीं खुल सकती। सो कहने का मतलब ये है कि हर पेशेंट को एकदम टेस्ट ट्यूब बेबी की ज़रूरत नहीं पड़ती, और भी बहुत सारी टेक्निक्स है। एक सिंपल IUI टेक्निक है, जिसमें अगर किसी पेशेंट के स्पर्म्स में हल्की फुल्की कमी है, तो वो IUI टेक्निक से भी प्रेग्नेंट हो सकता है। पर अगर एज ज़्यादा हो गई है, बांझपन की समस्या ज़्यादा हो गई है, माहवारी की समस्या है, या बंद हो गई है माहवारी, या बच्चेदानी का साइज छोटा है, तो डेफिनेटली बढ़िया से बढ़िया बेहतरीन इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। सो ये था IVF, ICSI, लेज़र हैचिंग, ब्लास्टोसिस कल्चर, एम्ब्रियो मॉनिटरिंग के बारे में। आइए अब हम चलते हैं अपनी लेबोरेटरी में, और मैं आपको दिखाऊंगी कि सारे कैसे प्रोसीजर्स किए जाते हैं और हम कैसे इनका कामयाबी दर बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हर टॉक में आप सुनते हो कि हम ICSI करते हैं, लेज़र हैचिंग करते हैं, पर पेशेंट को यह पता होना चाहिए कि वो जब किसी भी IVF सेंटर में जा रहे हैं तो उनका क्या ट्रीटमेंट हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे सेंटर्स हैं और पेशेंट हर सेंटर में जाके कहता है मुझे IVF कराना है, पर IVF में भी पेशेंट को ये ज़रूर पता होना चाहिए कि जो सक्सेस रेट है वो IVF में कैसे हम बढ़ा सकते हैं। और ये हर सेंटर में फैसिलिटीज़ जो है नहीं अवेलेबल, सिर्फ जो बहुत अच्छे सेंटर्स हैं, जो पुराने सेंटर्स हैं, जो बहुत सालों से काम कर रहे हैं, डेफिनेटली उन सेंटर्स में वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, और पेशेंट्स को ये बातें ज़रूर पूछनी चाहिए। जैसे अब एक कपल है, उसका आपको मैं सिंपल एग्जांपल देती हूँ। उसका हमने IVF किया, उसके एग्स निकाले, भ्रूण बनाया, अभी उसका IVF अगर फेल हो गया, अगर उस सेंटर में एम्ब्रियो फ्रीजिंग की फैसिलिटी नहीं होगी तो पेशेंट को सारा कुछ ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। पर अगर हम उसके बचे हुए भ्रूण संभाल के रख सकते हैं, जिसको हम फ्रीजिंग टेक्निक कहते हैं, जिसके लिए स्पेशल मीडिया आता है, स्पेशल क्रायोकैन्स आते हैं, तो अगर हम उस चीज़ पे करें तो पेशेंट का जो है नेक्स्ट साइकिल में ना पेशेंट को इंजेक्शन लगेंगे, जो फाइनेंशियल बर्डन है वो भी पेशेंट का काफ़ी कम हो सकता है। तो अब हम चलते हैं अपनी लेबोरेटरी में और आपको दिखाते हैं कि ये प्रोसीजर कैसे किए जाते हैं। अब हम अपनी IVF लेबोरेटरी में हैं और आप देखेंगे ये वो लैब है, वो एरिया है जहां की हम भ्रूण तैयार करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि ये लेबोरेटरी की क्या खासियत है, जो कि आम लेबोरेटरी से बहुत डिफरेंट है, जिससे कि हम इसका जो भी प्रोसीजर कर रहे हैं उसका कामयाबी दर कैसे बढ़ा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये एक मॉड्यूलर IVF लैब है। इसमें ऊपर
छत पे जो है सारे फिल्टर्स लगे हुए हैं जो कि जितने भी पार्टिकल्स हैं उनको ट्रैप कर लेते हैं, और जो एयर है वो बिल्कुल प्योर एयर होती है। कोई भी IVF की जो लेबोरेटरी है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो लेबोरेटरी में एयर जो है बिल्कुल प्योर होनी चाहिए। सो ये एक मॉड्यूलर IVF लैब है जो कि हमारी पंजाब में, नॉर्थ में कह लो, दिल्ली को छोड़ के सबसे पहली मॉड्यूलर IVF लैब है। तो आप ये देखेंगे, ये जो है जिसको हम कहते हैं ट्राइनोक्यूलर माइक्रोस्कोप, इसमें जो है भ्रूण वैज्ञानिक है, जो एग्स निकाले जाते हैं अल्ट्रासाउंड के जरिए, इस माइक्रोस्कोप के नीचे एग्स आइडेंटिफाई होते हैं। जो लेडी के हम अंडे निकालते हैं वो इधर भ्रूण वैज्ञानिक बैठ के अंडे देख सकता है। आप अभी क्लिप में देख रहे हैं कि भ्रूण वैज्ञानिक जो है वो कैसे फ्लूइड से एग्स ढूंढ रहा है। तो एक बार जब एग मिल जाता है तो दूसरा भ्रूण वैज्ञानिक यहाँ पे एग और स्पर्म का मिलन करता है। अब आप देख सकते हैं ये हैं जो शुक्राणु, जो कि मशीन है कि एक शुक्राणु को जो कि हमें नेकेड आई से नहीं नज़र आता, इसमें कितने टाइम्स वो मैग्नीफाई हो गया है, इससे हमें पता लग जाता है कि वो शुक्राणु बच्चा बना सकता है कि नहीं। ये जो मशीन है इक्सी मशीन है, इस मशीन से हम सबसे बढ़िया शुक्राणु जो बेबी बना सकता है वो सिलेक्ट करते हैं। तो यही मैं आपको बताना चाह रही थी कि जब एक रूटीन सीमन एनालिसिस होता है वहाँ इतनी बड़ी मशीन्स नहीं होती, वहाँ हमें सिर्फ यही पता लग सकता है पेशेंट को कि उसका काउंट कितना है, मॉर्फोलॉजी की परसेंटेज कितनी है, पर जो डिटेल इन्वेस्टिगेशन है सीमन की जिससे कि कामयाबी दर पता लगेगा वो ये मशीन्स है जिनसे हम देख सकते हैं कि एक स्पर्म जो है कितने 100 टाइम्स जो है मैग्नीफाई होके हमें नज़र आता है। सो इधर अब आप देख रहे होंगे क्लिप में कि मेरा जो भ्रूण वैज्ञानिक है वो कैसे एक एग और एक स्पर्म का जो है मिलन करता है और भ्रूण बनाता है। सो ये मशीन के साथ जो है लेज़र मशीन जो है वो अटैच्ड है और उससे हम लेज़र हैचिंग करेंगे। अभी आप ये जो क्लिप देख रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि कैसे लेज़र के ज़रिए जो है भ्रूण की परत पतली करी जा रही है ताकि जो भ्रूण है वो लेडी के बच्चेदानी में चिपक जाए, ताकि जो सक्सेस रेट है वो बढ़ जाए। अब आप देख रहे हैं कि ये ब्लास्टोसिस्ट है, यानी कि पांचवें दिन वाला भ्रूण। अब ये लास्ट स्टेज है जिस पे ये एम्ब्रियो जो है ग्रो करता है, इसके बाद ये हैच हो जाता है यानी कि फट जाता है ताकि वो बच्चेदानी में चिपक जाए। तो आप ये देख सकते हैं जब हम 8 या 10 भ्रूण बनते हैं उनमें से 1 या 2 ही भ्रूण ऐसे होते हैं जो कि ब्लास्टोसिस्ट बनते हैं, जिनके लिए स्पेशल मीडिया लिया जाता है, स्पेशल टेक्निक्स होती है जिनके कारण ये ब्लास्टोसिस्ट बनाया जाता है। तो कहने का ये मतलब कि हर एक आम IVF लेबोरेटरी में ये सारे प्रोसीजर्स जो मैं आपको दिखा रही हूँ अवेलेबल नहीं होते। ओनली जो हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे हैं, जिनके पास एक्सपर्टाइज है, जिनके पास इक्विपमेंट है, वही ये कर सकते हैं जिससे कामयाबी दर बढ़ाया जा सकता है। तो ये day 5 ब्लास्टोसिस्ट आप देख सकते हैं। सिमिलरली आप देख सकते हो ये जो काफ़ी सारे इनक्यूबेटर्स पड़े हैं, इनको हम ट्राई गैस इनक्यूबेटर्स कहते हैं, जिसका जो एनवायरनमेंट है जो कि एक लेडी के बच्चेदानी की तरह अंदर जो एनवायरनमेंट है वो इन इनक्यूबेटर्स में है, ताकि जो एम्ब्रियो है वो ग्रो कर सके, अच्छा भ्रूण तैयार किया जा सके। ये आप मशीन जो देख रहे हैं वो एम्ब्रियो मॉनिटरिंग सिस्टम है। ये सिस्टम हमने पंजाब में फर्स्ट टाइम यहाँ लगाया है, जिससे कि आप देख सकते हैं हम एक एक भ्रूण को देख रहे हैं कि वो कैसे ग्रो कर रहा है, कैसे डिवाइड कर रहा है। सो इसके ज़रिए जो हम हैं टेस्ट ट्यूब बेबी का कामयाबी दर बढ़ा सकते हैं। जो भ्रूण सबसे अच्छा ग्रो कर रहा है हम वो सिलेक्ट करेंगे। आप देख रहे हैं जो पहले नंबर पे भ्रूण है वो इतना अच्छा नहीं ग्रो कर रहा, पर जो ये 6ठे नंबर पे भ्रूण है वो ज़्यादा अच्छा डिवाइड कर रहा है। तो ऐसा ही भ्रूण हम सिलेक्ट करके बच्चेदानी के अंदर रखेंगे जिससे कि प्रेगनेंसी हो सके। अब आप देख सकते हैं ये जो वर्क स्टेशन है इस पे हम भ्रूण एम्ब्रियो यानी कि इस कैथेटर में लोड करते हैं।
अब इसमें हम कामयाबी दर कैसे बढ़ा सकते हैं? जो एम्ब्रियो हमने यहाँ पे लोड करना है माइक्रोस्कोप में, साथ ही ये विद इन वन मिनट भ्रूण जो है बच्चेदानी में रखना पड़ता है। अगर इसमें ज़्यादा समय लग जाता है तो जो IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी का कामयाबी दर है वो कम हो जाता है। तो यहीं से जो है हम भ्रूण वैज्ञानिक या जो गायनेकोलॉजिस्ट है, यानी कि मैं, यहाँ से एम्ब्रियो लोड करके सीधा ये जो हमारा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र रूम है इसमें हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। सो जो डिस्टेंस है वो सारा कम हो जाता है और विद इन वन मिनट भ्रूण जो है लेबोरेटरी से लेडी की बच्चेदानी में रखा जाता है ताकि वो आगे ग्रो करे। अब आप देख रहे हैं ये हमारी जो है फ्रीजिंग लैब है। आप इतने सारे कंटेनर्स देख रहे हैं जिनमें जो हम हैं एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण जो है, एक्स्ट्रा भ्रूण जो पेशेंट के बच जाते हैं वो फ्रीज किए जाते हैं। आप ये देख सकते हैं ये -196 डिग्री टेम्परेचर में रखे जाते हैं और ये अनगिनत समय के लिए फ्रीज किए जाते हैं। सो जिन हॉस्पिटल्स में फ्रीजिंग की फैसिलिटी है, मैंने जैसे कहा कि अगर किसी पेशेंट का भी एक्स्ट्रा एम्ब्रियो बन जाते हैं, एक्स्ट्रा भ्रूण बन जाते हैं, तो वो अनगिनत समय के लिए फ्रीज किए जाते हैं ताकि जब भी चाहे बेबी, अगर पेशेंट प्रेग्नेंट भी हो गया है फर्स्ट टाइम पे, तो वो अपना सेकेंड बेबी ऐसे करवा सकता है, उसको सारा प्रोसीजर दोबारा कराने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है सीमन भी है जो वो फ्रीज है। कई हस्बैंड्स जो सैंपल्स नहीं दे सकते या जिनको प्रॉब्लम आती है, जो बाहर रहते हैं, जो आर्मी में हैं, वो अपना सीमन देके जा सकते हैं और फिर ये सीमन जो है अनगिनत समय के लिए भी फ्रीज किया जा सकता है। सो ये है फ्रीजिंग की फैसिलिटी जो हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है, जिसका लाभ पेशेंट्स उठा सकते हैं। अब आप देख सकते हैं ये स्पेशल मशीन है जिसको हम कासा मशीन कहते हैं। आपको देखने में तो ये बहुत सिंपल माइक्रोस्कोप लगेगा, पर ये जो एक स्पर्म है उसको कितने टाइम मैग्नीफाई कर सकता है आप इस मॉनिटर पे देख सकते हैं। और ये स्पर्म का जो है बताएगा कि कौन सा स्पर्म ठीक प्रेगनेंसी कर सकता है कि नहीं। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये स्पर्म का पाथ दिखा रहा है पूरा। आप देख रहे हैं ये जो ग्रीन कलर के आपको स्पर्म्स दिख रहे हैं वो अच्छे स्पर्म्स हैं प्रेगनेंसी करने वाले, बाकी जो स्पर्म्स हैं वो प्रेगनेंसी नहीं कर पाएंगे। ये देखिए ये जो स्पर्म है इसका पाथ बिल्कुल सीधा है, ये सबसे बढ़िया स्पर्म है, जो अच्छा मोटाइल स्पर्म है जो बेबी कर सकता है। सो कहने का मतलब कि सिंपल एक सीमन एनालिसिस से कि काउंट 70 मिलियन है, 20 मिलियन है, 10 मिलियन है, उसका कोई फ़ायदा नहीं जब तक हम ये नहीं देखेंगे कि कौन सा स्पर्म बेबी कर सकता है। हम नहीं बता पाएंगे कि जो सीमन है वो बेबी कर सकता है, स्पर्म काउंट कितना अच्छा ही नहीं, मतलब कि उसमें जो शुक्राणु हैं, बच्चा पैदा करने वाले शुक्राणु जो कितने हैं। सो ये जो मशीन है हमारे पंजाब में सबसे पहले फर्स्ट टाइम हमारे सेंटर में लगाई गई है। हम पिछले 26 साल से जो है सिर्फ यही काम कर रहे हैं। पंजाब का एक डेडिकेटेड IVF सेंटर था जो कि हमने कभी सिर्फ बांझपन की समस्याओं का ही इलाज किया है। सो अंत में मैं एक यही बात बोलना चाहूँगी कि एक निस्संतान जोड़े को सही डॉक्टर के पास सही इलाज करा लेना चाहिए, जितनी मेंटल स्ट्रेस है उससे, तनाव से दूर रहना चाहिए और साथ ही साथ एक अच्छे डॉक्टर की सिलेक्शन करनी चाहिए, उनको देखना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि प्लेन IVF और IVF के कामयाबी दर में कितना अंतर है, हम कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या मशीन्स हैं जिनके कारण हम ज़्यादा सक्सेस रेट पेशेंट को दे सकते हैं।